दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां PFI पर गृह मंत्रालय का बड़ा खुलासा। यूपी के कई जिलों में CAA के विरोध के लिए फंडिंग हुई है। CAA के बाद PFI के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। तो बता दें कि जिस तरह से CAA को लेकर लगातार विरोध है, उस पर बड़ा खुलासा। शाहीनबाग में PFI और उनमें हापुड़, शामली और बिजनौर समेत कई जगह अकाउंट में पैसे भेजे गए। इसके विरोध में योगी सरकार PFI पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो PFI पर गृह मंत्रालय का बड़ा खुलासा। यूपी के कई जिलों में CAA के विरोध के लिए फंडिंग हुई है। तो जिस तरह से लगातार CAA को लेकर नाराजगी, विरोध प्रदर्शन जारी है, तो अब इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीनबाग में है PFI का दफ्तर और यूपी के कई जिलों जिनमें हापुड़, शामली, बिजनौर का नाम सामने आ रहा है, कई जगहों पर ये अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं। तो योगी सरकार PFI पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। तो गृह मंत्रालय का ये बड़ा खुलासा PFI पर हुआ है। यूपी के कई जिलों में CAA के विरोध के लिए फंडिंग हुई है। तो CAA के बाद PFI के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए जमा कराए गए। शाहीनबाग में है PFI का दफ्तर, जो लगातार जगह जगह अब शाहीनबाग ही दिखाई दे रहा है। तो यूपी के कई जिलों में हापुड़, शामली, बिजनौर समेत कई जगहों के जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। और अब ऐसे में योगी सरकार PFI पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो बता दें कि CAA के बाद PFI के अकाउंट में 120 करोड़ रुपए जमा कराए गए, लेकिन ये किसने जमा कराए हैं, किसने इसकी फंडिंग की है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये खुलासा हुआ है, वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हापुड़, शामली, बिजनौर समेत यूपी के कई जिलों में अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। तो योगी सरकार PFI पर बैन लगाने की पूरी तैयारी में, कि ताकि जो ये खुलासा यहां पर हुआ है, ये नाम सामने आ सके कि CAA को लेकर जो विरोध हो रहा है, वो उसके पीछे क्या बड़ी साजिश है। क्योंकि लगातार जो है इस विरोध की आड़ में माहौल भी खराब देश का, प्रदेश का हो रहा है। तो अब ऐसे में योगी सरकार PFI पर बैन लगाने की पूरी तैयारी में, यूपी के कई जिलों में CAA को लेकर फंडिंग। और इसी बीच हमारे साथ संवाददाता अमित दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा PFI पर गृह मंत्रालय का फंडिंग CAA के विरोध के लिए। जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्रालय लगातार इस बात की जांच कर रहा था, जब से खासतौर पर यूपी सरकार की तरफ से रिकमेंड किया गया कि मामले की जांच होनी चाहिए। अब सूत्र बता रहे हैं कि कई तथ्य सामने आए हैं कि किस तरह से फंडिंग हो रही है और किस तरह से सैकड़ों खाते या 100 से ज्यादा खाते जो है वो नजर में आए हैं, जिनके द्वारा फंडिंग की गई है, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। इन फंडिंग्स के जरिए न सिर्फ वकीलों को पैसा पहुंचाया गया है, बल्कि जगह जगह जो खास तौर पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उन प्रदर्शनकारियों के लिए भी पैसा मुहैया कराया गया है। लेकिन अभी तक जो है, क्योंकि मामले की जांच अभी और आगे जानी है, खासतौर पर विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है और उस विदेशी फंडिंग को लेके भी NIA लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अभी चूंकि ऑफिशियल जो है गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट का खुलासा जरूर नहीं किया, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कई सारी चीजें जो है वो गृह मंत्रालय के हाथ में लगी है, जो कि PFI को जो बैन करने की बात हो रही है, उसे बैन करने के लिए सबूत के तौर पे पेश की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से अमित ये बड़ा खुलासा हुआ है, जाहिर तौर पर बड़े गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसने ये फंडिंग कराई है। और जो साजिश की बात सामने आ रही थी CAA के विरोध को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं अब इस खुलासे के बाद इसी ओर इशारा कर रही है। अमित देखिए, पहले यूपी पुलिस ने पहले इस चीज को स्पष्ट किया था कि PFI के तार जो है वो सिमी से खास तौर पर जुड़े हैं। हालांकि इसे लेके PFI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और उसके बाद किस तरह से सिमी के लोग जो है वो PFI से जुड़ते गए। हालांकि इसे लेके जो है, चूंकि राजनीतिक मसला था, कई बार विवाद भी उठे हैं। तो जाहिर तौर पर अब गृह मंत्रालय, चूंकि किसी भी संगठन को बैन करने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए, दूसरी चीज की अगर आप बैन करते हो तो जाहिर तौर पर न्याय
न्यायपालिका भी है, और ऐसे में न्यायपालिका में जब मामला जाता है तो न्यायपालिका को भी चीजें दिखानी होती है और कई बार रिपोर्ट्स मांगी जाती है जहां सरकार कहीं कटघरे में ना खड़ी हो, तो इसलिए सरकार की प्राथमिकता होती है कि किस तरह से सबूत जुटाए। और यहाँ पे आंकड़े बताते हैं, चाहे इंदिरा जयसिंह की बात करें या कपिल सिब्बल की बात करें, कई ऐसे वकील हैं जिनके नाम जो है इस लिस्ट में सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अब जब मामले की जांच कर रही है, अभी मामले की जांच और आगे बढ़ेगी तो और कई सबूत जो है, गृह मंत्रालय सूत्र बता रहे हैं, कई और सबूत जो है बहुत जल्द हासिल हो गए, लगभग करीब सबूतों को करीब गृह मंत्रालय के अधिकारी पहुंच चुके हैं। जी चलिए अमित, तो आप इस मामले पर नजर बनाए रखिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया।